नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विवेक। मोदी सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है। आज पंजाब से चले किसानों ने हरियाणा के रास्ते दिल्ली कूच किया, लेकिन पुलिस द्वारा बॉर्डर पर ही किसानों को रोक दिया गया। इस दौरान दिल्ली करनाल हाईवे पर पुलिस के साथ किसानों की झड़प भी हुई, लेकिन किसान है कि पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। किसानों का ये प्रदर्शन देखकर ये साफ लग रहा है कि किसान पूरी तैयारी के साथ आए हैं। किसान अपने साथ ट्रकों में राशन भरकर लाए हैं और लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। किसानों के पास राशन, दूध, सब्जी, कंबल, कपड़े, गैस चूल्हा समेत अन्य सामान है। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के लिए ट्रैक्टरों और पैदल चलकर आ रहे पंजाब के हजारों किसानों को हरियाणा पुलिस ने अंबाला के पास रोक दिया है। इससे बीजेपी शासित हरियाणा की पुलिस और किसानों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। अंबाला के पास किसानों और पुलिस के बीच झड़प की खबर आ रही है। इस दौरान ईंट पत्थर भी चले हैं। किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर और पुल पर बैरिकेड्स लगाए गए थे, जिसे किसानों ने तोड़कर नदी में फेंक दिया। बता दें कि प्रदर्शनकारियों में पंजाब और हरियाणा समेत कुल 6 राज्यों के किसान शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और केरल के किसान भी आज और कल यानी कि शुक्रवार को दिल्ली पहुंचकर किसान कानूनों के खिलाफ विरोध मार्च करने वाले हैं। किसानों के 500 संगठन इस विरोध मार्च में शामिल हैं। इस बीच दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए किसानों को दिल्ली में किसी भी तरह के जमावड़े और रैली करने की इजाजत नहीं दी है। किसानों के प्रदर्शन की वजह से गुरुग्राम में भारी ट्रैफिक के कारण वाहन फंसे हुए हैं। हालात और बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर राज्य प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने सितंबर माह में 3 कृषि कानून बनाए थे, जिनका देश भर खासकर उत्तर भारत के किसान जमकर विरोध कर रहे हैं। इन कृषि कानूनों के विरोध में उन्होंने दिल्ली तक के विरोध मार्च का फैसला किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।